अस्सलाम वालेकुम, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। सो टुडेज रेसिपी इज़ ऑल अबाउट एग सॉसेज चीज़ ऑमलेट। मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी इस रेसिपी को शेयर करने के लिए, सो आई एम हेयर फॉर यू गाइज। अब ये रेसिपी बनाएंगे, आई ट्राई टू बी कंसिस्टेंट ऑन यूट्यूब। मुझे इंस्टाग्राम पे इतने मैसेजेस कि आप जो बनाती हैं वो शेयर किया करें। तो ये बहुत आसान रेसिपी है, 3-4 मिनट में बन जाएगी। सो यार लेट्स स्टार्ट करते हैं। रेसिपी जो है वो बहुत सिंपल है, इसके आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको ऑयल चाहिए हसबे ज़रूरत, जितना आपने यूज़ करना हो। 2 अंडे रूम टेम्परेचर पे ले लेने हैं। फिर आप लोगों ने ऑलिव्स ले लेने हैं। KNN's के डिलीन सॉसेजेस लेने हैं, ब्रेकफास्ट सॉसेजेस, इन पे मेंशन होगा, ठीक है। फिर हमने लेनी है एडम्स की मोज़रेला चीज़, और फिर सॉल्ट 2 टेस्ट एंड रेड चिली 2 टेस्ट, ठीक है, रेड चिली पाउडर। ये हैं जी सारे इन्ग्रीडियंट्स इसके, इनका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। बहुत ही आसान से चटपट बनने वाला। सबसे पहले हम जो है सॉसेजेस कट कर लेंगे। ये जी मैंने 4 सॉसेजेस ले लिए, वैसे मैं 3 यूज़ करती हूँ, ठीक है। आप लोग 3 यूज़ कर लें, 4 यूज़ कर लें, टोटली डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। तो अब इनको जो है वो चॉप कर, ये देखें जी, आप लोग चाहें तो मोटे सॉसेजेस कट कर लें, चाहें तो बारीक कट कर लें, ठीक है। आप लोगों ने इस फ्रेम में इसको काट लेना, ठीक है, इस साइज़ में, ठीक है। 4 मुझे लग रहा है ज़्यादा होंगे, 3 बहुत हो जाते हैं 2 ऑमलेट्स के लिए, ठीक है, 2 अंडों की ऑमलेट के लिए 3 बहुत हो जाते हैं, ठीक है जी। इतने सॉसेजेस जो हैं बहुत हैं, ठीक है। अब इसको जो है सॉसेजेस हो गए, अब एग्स प्रिपरेशन की बारी है, ठीक है। इसमें तोड़ेंगे, ठीक है, आप लोग देख लें, 2 एग्स हम लोग इसमें डाल देंगे। उसके बाद जो है हम इसमें सॉल्ट डालेंगे, अपनी रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे, और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऑलिव्स भी हमने इसी में ऐड करने हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसमें सॉल्ट और रेड चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। चलें जी, इसमें ये वाली सॉल्ट एंड रेड चिली फ्लेक्स हमने ऐड कर दिए हैं, ठीक है, सॉरी रेड चिली पाउडर, इट्स नॉट फ्लेक्स, इट्स अ पाउडर, ठीक है। इसको अच्छे से फेंट लेना है, फिर आप लोगों ने इसमें थोड़े से ऑलिव्स ऐड कर लेना है। अच्छा, इसको जो है आपने इतना अच्छे से फेंटना है कि ये अच्छे से मिक्स हो जाए मिक्सचर, ठीक है, ताकि ये देखें इस तरह के लम्ब्स ना रहें इसमें, ठीक है। तो ये इसको अच्छे से मैं मिक्स करूँगी एंड देन इसको रेडी करते हैं। चले, अब इसमें डालने लगी हूँ ऑलिव्स, ठीक है। ऑलिव्स तकरीबन आपने 1 स्पून भर के आपने इसमें ऑलिव्स का ऐड कर देना, ठीक है। वैसे तो ऑलिव्स मैं उसमें डालती हूँ, आज मैंने इसमें डायरेक्ट ऐड कर दिया। अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ठीक है, मैं आप लोग को अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। बहुत ही सिंपल आसान सी रेसिपी है, 2 मिनट में बनने वाली है। मैं आप लोगों के लिए जो है ना इतनी डिटेल में बना रही हूँ, सो वेरी सिंपल एंड ईजीएस्ट रेसिपी एंड वेरी यमी रेसिपी। अब जो है हम लोग पैन की तरफ चलते हैं। चूल्हे को मैंने इस फ्लेम पे सेट कर दिया है, ठीक है, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे, ठीक है। अब जो है इसको हम स्टार्ट करना, आप लोगों ने यूज़ करना है क्योंकि हमने इसमें सॉसेजेस फ्राई करने हैं। अब जाएंगे इसमें सॉसेज। अच्छा, ये ऑमलेट जो है इसी तरह बनता है क्योंकि ये सॉसेजेस जो है ज़रा से फ्राई करने होते हैं, तो उसके लिए जो है आपको अच्छा खासा ऑयल जो है वो डालना पड़ता है, ठीक है, ताकि ये अच्छे से शो हो जाए। आप चाहें तो ऑयल कम भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, बट मुझे ज़रा अच्छे से फ्राई हुए हुए उस तरह इसका फ्लेवर पसंद है, ठीक है। अब सॉसेजेस जैसे ही होएंगे हम लोग फिर इसमें एग ऐड कर देंगे अपना, ठीक है, बीटन एग ऐड करेंगे और इसको जो है पकाते हैं 2-3 मिनट। आप लोग इसको फ्राई करेंगे और फिर नेक्स्ट स्टेप। आप लोग देख लें सॉसेजेस जो हैं जब इस फॉर्म में आ जाएं, ठीक है, ये देखें ज़रा ज़रा से ये फूलने लग गए हैं, ठीक है। जब ये इस फॉर्म में आ जाएं सॉसेजेस, तब हमने इसमें अपना बीटन एग ऐड कर देना है, ठीक है। अब हम लोग इसमें एग ऐड कर देंगे, ठीक है, अच्छे से ऐड करेंगे इसको। इसको डाल रहे हो, आपने कोशिश करनी है कि ज़्यादा स्टफ़ जो है वो एक साइड पे हो, ठीक है, ताकि ये वाली साइड जो है हम आराम से ऊपर कवर कर सके इसमें, ठीक है। फिर आप लोगों ने लेना है ये चीज़ स्लाइस। अच्छा जी, नेक्स्ट हम लोग लेंगे इसमें ये चीज़ स्लाइस, ठीक है। ये चीज़ स्लाइस में हाफ कट करके ऐड करूँगी इसमें, ठीक है, वो भी इस साइड पर करना है। ऑमलेट जो है हमारा तकरीबन रेडी है, ठीक है। इस पर जो है हम लोग चीज़ स्लाइसेस रखेंगे और इसको जो है बड़ी एहतियात से हम लोग चेक करते करते इस ऑमलेट को जो है हम लोग हाफ वे टर्न करेंगे, ठीक है। इसको हमने हाफ टर्न करना है यूँ, ठीक है, मैं आप लोगों को करके दिखाती हूँ एक हाथ से, इट्स रियली नॉट पॉसिबल। आप लोगों की खातिर मैंने जो है रेसिपी रिकॉर्ड करी हूँ, अभी मेरे पास रिंग लाइट तो है बट ट्राईपॉड सेपरेट से नहीं है, ठीक है। सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ अगर मेरा कैमरा वगैरह हिले तो कुछ भी हो, बट लेट्स फ्लिप इट, ठीक है, हो गया ये। अब आपने इसको खूब अच्छे से इसको पकाना है आप लोगों ने
ठीक है, ताकि दोनों साइड्स की एग्स जो है अच्छे से पक जाएं। चाहे तो आप इसको 2 मिनट्स के लिए कवर कर दें, और चाहे तो आप लोग जो हैं इसको ऐसे ही पका लें। मैं नॉर्मली इसको ऐसे ही पकाती हूँ और बहुत अच्छा बन जाता है। सो इसको अब 3 से 4 मिनट पकाऊंगी हल्की आंच पे एंड विल डिश। अब आप लोगों की खातिर जो है ये दोबारा फ्लिप होगा, ठीक है, क्योंकि ये साइड मैंने आप लोगों को दिखानी थी कि इस तरह का जब इस पर ब्राउन प्रिंट आता है, ब्राउन पैटर्न आता है, तब समझो आपका अंडा जो है वो बन चुका है। ठीक है, लुक एट द चीज़, इसमें से चीज़ भी निकल रही है, एंड ये बहुत अच्छे से फ्लफी फ्लफी हम इसको बना लेंगे। दूसरी साइड इसकी कुक हो जाए एंड देन आई डिश इट आउट। ये जी डिश आउट होने के लिए बिल्कुल रेडी है, ठीक है। आप लोगों ने इसको ध्यान से, बड़े ध्यान से पकड़ना है। आई होप ये ना टूटे, ठीक है। इसको मैं बड़े आराम से, आप लोगों ने जो है इसको डिश आउट करना होता है, ठीक है। ये देखें, इस तरह आप लोगों ने इसको प्लेस कर दिया, ठीक है। सो दिस इज वेरी यमी यमी ऑमलेट रेडी, हमारा बहुत ही मज़े का चीज़ ऑमलेट जो है रेडी है, एग सॉसेज चीज़ ऑमलेट। अब आप लोग इसको बनाएं नाश्ते में और मुझसे लाजमी शेयर कीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आई होप यू विल लाइक इट। अंटिल देन विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।